का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये आरएलसी पैरेलल सर्किट है। जिस तरीके से लास्ट जो में हम लोगों ने क्या किया था, आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोगों ने ली थी तीन चीज़ें, हमारे पास रेजिस्टेंस होता था, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को हम लोग सीरीज वे में एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते थे, जबकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है, हम करते हैं कि अपनी एक रेजिस्टेंस लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इंडक्टर के साथ सीरीज वे में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इंडक्टर रहा जिसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के साथ सीरीज वे में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को आपस में एसी सोर्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये हमारा जो सोर्स है ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स इस तरीके से, एसी सोर्स के साथ हम लोगों ने रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज वे में कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास जो चीज़ बचती है वो हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर को क्या करते हैं, हम इन दोनों के साथ पैरेलल वे में जोड़ देते हैं। ये हमारे पास जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोगों ने रेजिस्टेंस और इंडक्टर के पैरेलल वे में जोड़ दिया है। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ सीरीज वे में कनेक्ट होती है तो उन दोनों के दरमियान जो करंट है वो सेम होता है। इस सिचुएशन में हमारे पास सीरीज वे में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि इनमें से जो करंट पास हो रहा है वो सेम है और इन दोनों में से इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो डिफरेंट होगा। अब आपको जैसे कि मालूम है कि जब आप रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको इतना मालूम है कि रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज है वो हमेशा इन फेज होते हैं जब वो एसी सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस एसी सोर्स के साथ कनेक्ट है तो इसमें जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज होंगे। जैसे ही हम बात करते हैं अपने इंडक्टर की तो हमें मालूम है कि इंडक्टर में करंट और जो हमारा वोल्टेज है वो हमारे करंट के लिहाज से लीड कर जाता है। मतलब कि जब इंडक्टर में से करंट पास आउट करता है और इसे हम लोगों ने एसी सोर्स के साथ लगाया हो तो उस करंट के लिहाज से हमारा जो वोल्टेज है वो पाई बाय टू के डिफरेंस पे लीड कर जाता है। सिमिलरली जब हम लोगों ने कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हो तो कैपेसिटर में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो होने की वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो इस करंट के लिहाज से हमारे पास लैग कर जाता है और लैग कितने डिफरेंस पे करता है, फेज डिफरेंस पे, पावर टू पे। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो करंट है जो इस कैपेसिटर में से फ्लो किया है उसके फ्लो करने की वजह से जो इसका वोल्टेज था वो लीड कर गया, यानी कि लैग कर गया। यहाँ पे मुझे बताना चाहिए कि वी सी का जो वोल्टेज है वो लैग कर गया और VL का जो वोल्टेज है वो करंट के पास होने की वजह से लीड कर गया। इसका वोल्टेज लीड करता है और इसका वोल्टेज जो है लैग करता है, तो बेसिकली ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब करंट के पास आउट होने की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो इन दोनों की हम अब बात ही नहीं करेंगे। तो इस सर्किट में से अब जो करंट बचता है वो करंट सिर्फ इस रेजिस्टेंस आर की वजह से फ्लो होता है। अगर ये रेजिस्टेंस आर भी इस सर्किट से निकाल ली जाए तो इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब क्या बात हुई कि जब भी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है रेजोनेंस। देखिए हम लोगों ने रेजोनेंस का वर्ड यूज़ किया इसका मतलब है कि रेजोनेंस का वर्ड यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे, रेजोनेंस करंट की भी बात करेंगे, रेजोनेंस के तमाम फीचर्स की फ्रीक्वेंसी और उसके करंट के बारे में जाहिर सी बात होगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर हमारे पास करंट जो है मिनिमम हो जाए। अब इस पूरे के पूरे सर्किट में देखा जाए तो तीन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, जस्ट रेजिस्टेंस आर की वजह से। अगर इसे भी रिमूव कर दिया जाए तो करंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। और करंट जो है उसके बहुत कम फ्लो होने की वजह क्या होती है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के जो करंट है जब इनमें से पास आउट करता है तो करंट के लिहाज से जो वोल्टेज लीड और लैग करता है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो बेसिकली अब जिस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा वो इस रेजिस्टेंस आर की वजह से फ्लो करेगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर इस सर्किट की जो करंट है वो करंट मिनिमम होता है। और दूसरे तरीके से आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं जो कि कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते आए हैं अब तक, कि जहाँ पर हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाए तो वहाँ पर हमारी एफ आर जो है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल आ जाती है, जो कि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देती है।
अब जिस तरीके से हम लोगों ने आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें रेजोनेंस कर्व ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी हम लोगों को रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करना चाहिए। तो रेजोनेंस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास रेजिस्टेंस का होना, इम्पीडेंस का होना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होना ज़रूरी है। हमें मालूम है कि इम्पीडेंस जो है कम्बाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, और इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है रिएक्टेंस है जो हमारे पास एक्सएल, वो हमारे पास इंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली रेजिस्टेंस है। सिमिलरली हमारे पास जो एक्ससीए है जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो कैपेसिटर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो हमने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है उसकी रेजिस्टेंस है। तो हम वापस क्या होता है कि जब हम रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम है कि जो रेजोनेंस कर्व ड्रॉ होगा वो हमारा एफ आर, इम्पीडेंस, एक्स सी, एक्सएल और हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं, बल्कि रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ पर बनाना चाहिए और एक्सएल को थोड़ा सा ऊपर बना लेना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस यहाँ पर आ गए और ये हमारे पास एक्सएल आ गया। जब हम एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें मालूम है कि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी जो है आपस में डायरेक्टली, तो जब ये डायरेक्टली वेरी करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो कि एक्सएल की है। जैसे ही हम एक्ससी की बात करते हैं, यानी कि हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, ये इस तरीके का ग्राफ बना देती है। और जैसे ही हम अपनी इम्पीडेंस या अपनी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस और जो रेजिस्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप यूँ आ जाता है। हम लोग इम्पीडेंस को यहाँ पर रेजिस्टेंस आर की इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास इम्पीडेंस बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है, जो कि हमारे रेजिस्टेंस आर के इक्वल ली जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास एक्सएल, एक्ससी और ये हमारे पास जेड का, यानी कि इम्पीडेंस की जो है लाइन ड्रॉ हो जाती है। और जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरएलसी सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस के लिए एक स्मॉल सा ग्राफ जो है कर्व ड्रॉ किया था, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि वो कर्व कुछ इस तरीके से आ जाता है, यानी कि पैरेलल सर्किट के अंदर काम थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है और इम्पीडेंस जैसे कि आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर इस तरीके से ऊपर जाता था, वो इस तरह इस सर्किट के अंदर, पैरेलल सर्किट के अंदर वो इस तरीके से डाउनवर्ड आ जाता है। और जैसे ही हम रेजिस्टेंस और एफ आर के, बल्कि करंट और एफ आर के दरमियान रिलेशनशिप निकालते हैं, जैसे कि और साथ ही इम्पीडेंस का भी रिलेशन आ जाता है, जैसे कि ये हमारी एफ आर है, ये हमारा आई करंट है, तो जब हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इम्पीडेंस आ जाती है, ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गई और ये हमारे पास करंट आ जाता है। जबकि आर एल सी सीरीज सर्किट में क्या हुआ था कि हमारे पास जो करंट है, करंट इस तरीके से आया था और इम्पीडेंस इस तरीके से गई थी, और यहाँ पर हमारे पास इम्पीडेंस जो है इस तरीके का कर्व आ जाता है अपवर्ड, और जो करंट है वो डाउनवर्ड कर्व चल जाता है। क्योंकि अभी मैंने बात की है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल सर्किट के अंदर वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर हमारा करंट जो है बिल्कुल मिनिमम होता है, और मिनिमम किसकी वजह से होता है कि हमारा इंडक्टर और जो हमारा कैपेसिटर है उसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, तो करंट सिर्फ जो है रेजिस्टेंस आर की वजह से फ्लो करता है। तो इसका मतलब है ये वो मिनिमम करंट हुआ ना जहाँ पर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो मिनिमम के लिए यहाँ पर करंट जो है इस पीक पर जाके, डाउनवर्ड में इस पीक पर जाके मिनिमम करंट देता है, इसलिए ये केस रिवर्स जो हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट है उससे रिवर्स हो जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस है, हमारी इम्पीडेंस हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम होती जो है मिनिमम होती है, जबकि हमारे यहाँ पे पैरेलल सर्किट के अंदर हमारी जो इम्पीडेंस है वो एफ आर पर मैक्सिमम है। हमें देखिए इस अगर आप इस ग्राफ पे गौर करें तो ये एफ आर है ना हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट जो है मिनिमम होता है, जबकि इम्पीडेंस ये टॉपर होती है, इम्पीडेंस जो है करंट से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आर एल सी सीरीज सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है और रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारी इम्पीडेंस है वो बहुत मिनिमम होती है। और हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है, यानी कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर केस इस तरीके से रिवर्स हो जाता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देती है और हमारा जो करंट है वो मिनिमम वैल्यू देता है। पावर फैक्टर इसमें भी रेजोनेंस पे वन ही होता है। हमारा जो पावर फैक्टर है जिसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पावर फैक्टर है हमारी रियल पावर डिवाइडेड बाय वीआई, वो इस केस में भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही वन रहती है। और यहाँ पर जो करंट है बहुत ही मिनिमम होता है और वो वोल्टेज के साथ इन फेज होता है। जाहिर सी बात है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस आर की वजह से फ्लो हो रहा है,
और आर को जब हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आर और वी जो है इन फेज है, दैट्स व्हाई इस पूरे सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ही मिनिमम होता है और वो इस वोल्टेज के साथ जो है इन फेज होता है, फेज डिफरेंस उनका जीरो होता है। और क्या होता है कि जो एफ आर से नीचे की तरफ है यानी कि एफ आर से पीछे पीछे की तरफ हमारा जो करंट है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड करता है, जबकि एफ आर से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो करंट है वो एफ आर के साथ डायरेक्टली वेरी करना शुरू हो जाता है। रेजोनेंस करंट जो है आई एल एंड आई सी वो सोर्स के करंट से ज़्यादा हो सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारे सोर्स के अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, और अगर हम लोग आई एल और आई सी की करंट की बात करें फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो उसको कैंसिल आउट ना करते तो अगर सिर्फ हम उनकी बात करें तो वो सोर्स के करंट से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि एसी सोर्स का जो करंट है उससे ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हम लोग आर एल सी सीरीज सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, इसी तरह इस सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, यानी कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम आर एल सी पैरेलल सर्किट भी कह सकते हैं और इसे रिजेक्टर सर्किट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे कि आर एल सी सीरीज सर्किट और आर एल सी पैरेलल सर्किट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। इनमें थोड़े से ही फीचर्स का फ़र्क आता है, क्यों आता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है यानी कि हमारा आर एल सी पैरेलल सर्किट है। इस पैरेलल सर्किट के अंदर हम लोग कैपेसिटर को जो है पैरेलल वे में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही उसे पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास होता ये है कि हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को करंट के फ्लो होने की वजह से वोल्टेज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली जो करंट बचता है वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस आर की वजह से फ्लो करता है और बहुत ही मिनिमम करंट होता है, वोल्टेज के साथ इन फेज होता है। तो इन तीनों के इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास रेजोनेंस कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें हमारे पास इंपेडेंस का कर्व यू नीचे डाउनवर्ड बनता है, नीचे जाके इस इंपेडेंस से नीचे बनता है। और अगर हम लोग करंट और जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसके तरह ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और इंपेडेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनाती है। इंपेडेंस चूंकि आर एल सी पैरेलल सर्किट के अंदर मैक्सिमम होती है और करंट मिनिमम होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जबकि पावर फैक्टर दोनों में ही वन रहता है।